हाँ जी पक्षी का चित्र आया है, ऊंट पक्षी। हाँ, रेगिस्तानी जहाज कहा जाता है, जैसे जहाज उड़ता है पक्षियों के मुआफिक, ऐसे ऊंट रेगिस्तान में उड़ता है। दूसरा कोई जानवर इतने तेज नहीं दौड़ेगा, इसलिए ऊंट पक्षी कहा जाता है। और आधे बैठे तो पेट संकल खाते है? और बुद्धि भटक जाती है। ओहो, 63 जन्म व्यर्थ कर्म नहीं किए हैं? किए हैं या नहीं किए? जो व्यर्थ कर्म किए हैं वो यहाँ रील में घूमेंगे या नहीं घूमेंगे? शूटिंग होगी या नहीं होगी? है? होगी तो हो रही है, घबराना क्यों? ज्ञान तो बुद्धि में है ना। चेकिंग करना है, चेंज करना है। और आज की मुरली में आया था कि जो जगदम्बा सरस्वती, उनको मम्मा क्यों कहा गया है? जगदम्बा सरस्वती तो बहन हुई, बड़ी बहन हुई, तो उनको मम्मा क्यों कहा गया? वो मुरली में पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया। वो उस जन्म में बहन है, 65 की बात, और इस जन्म में बहन है, है? कि माँ है, जगदम्बा माँ हो गई ना, इसलिए जन्म बदल गया ना। और जोर से बोलो, यहाँ आते आते बीमारी, यहाँ आते आते तुम्हारी याद फलीभूत हो जाएगी, यहाँ आते आते याद फलीभूत हो जाएगी, माने आते रहेंगे तो, अंत तक आते रहेंगे तो तुम्हारी याद फलीभूत हो जाएगी, उसका फल निकलेगा। और बीच में कट गए, टूट गए तो नहीं होगा। और आत्मा सुई की जब सारी कट उतर जाएगी, जब तुम डायरेक्ट बाप से सुनो, अभी तो हम डायरेक्ट बाप से सुन रहे हैं। अभी डायरेक्ट बाप से कहाँ सुन रहे हैं? सुनाने वाला बाप डायरेक्ट सुना रहा है कि अभी गुप्त है? अरे बाप सेवा अभी गुप्त पार्ट बजाय रहा है या इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है? तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट है। फिर महाशिवरात्रि के बाद क्या होगा? महाशिवरात्रि है या नहीं है या हो चुकी है? डायरेक्ट परीक्षा होगी? चुप हो गए। जब महाशिवरात्रि हो जाएगी, उसके बाद अगर कोई बाप से बात करेगा, डायरेक्ट मतलब उसकी आत्मा की सारी कट उतर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, 1 में जीवन मुक्ति गायी हुई है। बच्चों के सामने प्रत्यक्ष है, कभी अनिश्चय बुद्धि क्यों हो जाते हैं? कभी निश्चय बुद्धि, कभी अनिश्चय बुद्धि, ऐसा क्यों होता है? अभी अमर भव का परमानेंट वरदान मिला हुआ है कि बीच बीच में मर जाते हैं? हैं? मर जाते हैं। जब मिल जाएगा डायरेक्ट तो सब के मुख से निकलेगा क्या? मेरा बाबा, जो इन आंखों से एक बार भी देखेगा, इन कानों से एक बार भी सुनेगा, तो परमानेंट मेरा बाबा हो जाएगा,
या निश्चय बुद्धि हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। नहीं, और मिलना ही उनको होगा जिनका योग सफलीभूत हुआ होगा। योग पूरा नहीं होगा, याद पूरी नहीं होगी, त्रेसर जन्म के पाप कटे हुए नहीं होंगे तो मिल ही नहीं पाएंगे। और भी बोलते तक्कर राज, राज कर नरक है, करेंगे तो राज मिलेगा, करने में फिर देव का राज है तो फिर नरक, तो उनकी आत्मा तो सूची कट के उतर ही चुकी होगी ना, है उनकी आत्मा की कट, आत्मा सूची कट तो उतर जाएगी जब बाबा से मिलेंगे। हाँ, अभी मिलते भी है, उस समय की बात नहीं होगी, उस समय तो 21 जन्म का, 21वें जन्म का वर्षा मिल गया तो मिल गया, ये अभी की बातें हैं। और जब से ज्ञान में एडवांस में आए हैं तब से निश्चय बुद्धि है, कभी निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, साक्षियों के स्वयं को देखते हैं तो कभी भी अनिश्चय नहीं आता है, इसमें अवस्था भली आत्मी की स्थिति की कम ज्यादा होती है लेकिन निश्चय में पक्के, फिर हमारे लिए तो बात डायरेक्ट है ना। डायरेक्ट कहाँ है, अभी इनडायरेक्ट है, गुप्त पार्ट बजा रहा है कि डायरेक्ट है, गुप्त है ना बाबा, है दूसरों के लिए गुप्त है, बच्चों के लिए तो है ना डायरेक्ट, इनके लिए हम बच्चों के लिए डायरेक्टली है, शिव बाप डायरेक्ट है या राम बाप है, राम बाप है पर शिव बाप भी है ना कमाई, मुरली में तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, मुरली में तो लक्ष्मी नारायण का प्रूफ है, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, माना 76 में, शिव की प्रत्यक्षता का प्रूफ कहाँ है, प्रूफ नहीं है लेकिन अंतरात्मा मानती है, अंतरात्मा तो भक्तों की भी मानती है, तो क्या वो सच्ची बात है। और बाबा वो कितने होंगे जो डायरेक्ट बाप से मिलेंगे, हैं वो कितने होंगे जो डायरेक्ट बाप से मिलेंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या कितनी होगी, 9 लाख हाथ में नहीं मिलेंगी। और बाबा ने बोला है कि हमारे लिए ट्रेन आएगी जो निश्चय बुद्धि है और आदमी अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर उनको प्रॉपर्टी बनाने की क्या दरकार है, जब हमारे लिए तो 20 नखों का जोर करके मंदिर बनाया गया। वो श्रीमत पर चलने वाले हैं, श्रीमत को पकड़ते हैं कि मुरली में बाबा ने क्या बोला, उनको तो पता ही नहीं है कि मुरली में बाबा ने मना कर दिया, अभी प्रॉपर्टी बनाने का टाइम नहीं है, अभी प्रॉपर्टी बनानी नहीं है, खरीदनी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी सारी मिट्टी में मिल जाएगी, तो बनाने से क्या फायदा। और काय में सुधा सागर सदा सागर, ये सदा सागर क्या, सदा सागर है, सदा सागर, अच्छा ग्रंथ का नाम है, हाँ उसमें क्या है, सत्यवती मछुआरे की, हाँ लड़की है, मछुआरे की नहीं, वारस मछुआरे की लड़की नहीं है, बाणासुर है, बाणासुर की, बाणासुर की लड़की है, बाणासुर की नहीं, बाणासुर, तो क्या करना है उसका, है बेहद का क्या अर्थ है, अब किताब में से एक एक कथा कहानियां पढ़ते जाएंगे वो सुनेंगे, या बाबा ने जो शास्त्रों की बातें बताई हैं उनकी गहराई समझेंगे, शास्त्रों की तो शास्त्रों में तो भूसा भरा पड़ा है, हैं
हाँ, और ये जो जादू टोना जो बाहर की दुनिया में होता है, हैं? जादू टोना जो बाहर की दुनिया में होता है, हाँ? ये क्या चीज है और इससे क्या बचाव का उपाय क्या है? गीता में लिखा है जो मेरे पुजारी हैं, मेरे को मानने वाले हैं, वो मेरे से प्राप्ति करते हैं। जो देवताओं को मानने वाले हैं, देवताओं को पूजते हैं, वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, मेरे से नहीं। और जो भूत प्रेतों के पुजारी हैं, वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं, वो मैली विद्या है, थर्ड क्लास। जो ज्यादा पाप आत्माएं होती हैं, वो भूत प्रेत बनते हैं, उनमें भी ताकत है कि नहीं है? हैं? उनमें भी ताकत है, थोड़ी अल्पकाल की, अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त करा देंगे, जैसे वो बड़े बालों वाले बाबा साईं बाबा। क्या खाओगे बच्चे? लड्डू खाओगे, पेड़ा खाओगे, मिट्टी खाओगे? बोलो, चलो खाओ। उससे भगवान बन गए क्या है? भगवान ये क्षुद्र काम करेगा? और अरे 17-18 के बाद तुरंत लाखों की तादाद में हो जाएंगे। तो बाप तो डायरेक्ट बाप से ही सुनेंगे ना सभी। अच्छा, लाखों की तादाद जो सेंटर बनेंगे और उन्हें आने जाने वाले डायरेक्ट आकर के बाप से सुनेंगे? लाखों की तादाद में जो सेंटर्स हो जाएंगे उनमें बाप सबको मिल जाएगा कि कोटन में को कोई में से को मिलेगा? सेंटर तो बाप मिलेगा तो सही ना, ये तो गारंटी ना। अभी क्या स्थिति है और लाखों की तादाद में हो जाएंगे तब क्या स्थिति होगी? है अभी रोज मिलना होता है, महीने दो महीने में मिलना होता है, या 6-8 महीने साल भी लग जाता है? तो फिर मिलने की जरूरत ही नहीं। बाबा वो वाली बात की आत्मा की मतलब कट करने वाली बात। हाँ, तो जिनको कशिश होगी वो पुरुषार्थ भी करेंगे ना। और जगन्नाथ में क्या लगती है? जगन्नाथ में 11 घंटी लगती है। 11 की 11 माने एकादशी को? हाँ, कई का प्रसाद? खिचड़ी। और जगन्नाथ है तो खिचड़ी खिला पाएगा ना? मालपुआ रोज बना के कहाँ से खिलाएगा 500 करोड़ को? हाँ जी, हैं? 11 क्यों रखी? क्योंकि रुद्रमाला का मुखिया है ना, सूर्यवंशी है, और सूर्यवंशियों में 11 विशेष सहयोगी है ना, 11 रुद्रगण गाए हुए हैं। जगन्नाथ जिसे कहा जाता है वो जगत पिता ही तो है, और जगत पिता शंकर को ही तो कहा जाता है। और दिल्ली में आप पार्टी क्यों? हाँ, मतलब वो क्यों जीता? केजरीवाल वहां से क्यों? हाँ, जनता पार्टी का सफाया होगा।
जनता पार्टी का दिल्ली में सफाया हो गया और ऑल इंडिया में है मोदी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा दिल्ली में? मोदी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? जो आप पार्टी झाड़ू लगाने वाली है वो महाकाली का पार्टी है कि लक्ष्मी की पार्टी महागौरी की है? अभी झाड़ू लगाने का काम हो गया है? चाहिए नहीं चाहिए कि नहीं? इसलिए आप पार्टी हो गई झाड़ू लगाने वाली। दिल्ली की 7 सीटें 77 में जीती थी है? 77 में दिल्ली की 7 सीटें जीती थी जनता पार्टी। हाँ, पवन का था उस समय पूरे भारत का घेराव नहीं करा। तो यही तो गलती है। अब नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत का घेराव करा। पूरे भारत का घेराव करने के बाद फिर दिल्ली पे हमला होगा तो सफलता होगी, नहीं तो सफलता नहीं होने वाली है। ये तो 76 में जनता पार्टी का रिपीटेशन आप पार्टी कर रही है, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। और हम तो जानते हैं कि करण का रावण हार तो एक शिव बाबा ही है, और तो ये सब खेल खेल रहे हैं, बातें बना रहे हैं कि हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, दिल्ली कब्रिस्तान बनने वाली है कि पहले परिस्तान बन जाएगी फिर? अब आप पार्टी क्या करेगी है? फिर जब सबको झाड़ू लग जाएगा, सारे ही तो कीड़े मकोड़े हैं, सारे ही तो असुर हैं। झाड़ू का काम तो पूरे भारत में चल रहा है। काम चल रहा है लेकिन प्रभाव थोड़ा ही चल रहा है। और जो भी आत्माएं दूसरे धर्मों से कनेक्टेड हैं, 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी नहीं बनते हैं, वो सब पाप आत्माएं हैं, दोषपूर्ण आत्माएं हैं। मुरली को उतना ध्यान से नहीं समझते हैं, गहराई को नहीं पकड़ते हैं, इसलिए उनसे जन्म जन्मांतर गलतियां होती रहती हैं। गलतियां होने के कारण फिर उनको सजाएं खानी पड़ती हैं, अकाले मौतें होती हैं और भूत प्रेत बनना पड़ता है जैसे ब्रह्मा बाबा। मौत भी होती है तो अलग अलग प्रकार से होती है, जैसे अकाले मौत होती है, एक्सीडेंट होता है, ब्लड कैंसर हुआ। हाँ जी, उसका क्या कारण? वो भी लंबे समय तक चलता है, किसी का लंबे समय तक चलता है, कोई तुरंत खत्म हो जाता है, जोर से अटैक हुआ खत्म हो गया। कारण है अपने कर्म। और इसमें शिव प्रवेश करता है क्या, वो किसी के प्रभाव में आ सकता है? परमानेंट प्रवेश करता है कि टेम्परेरी प्रवेश करता है? और प्रवेश करता है भी कि नहीं करता है, ये पक्का है कि प्रवेश करता है? या ये पक्का है कि जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं? तो कोई 24 घंटे याद करता है? करता है तो काय का प्रवेश? मुकर्रर रथ कब कहा जाए है? जब 24 घंटे प्रवेश हो। पाप को याद करेंगे नहीं प्रवेश का है? जितना याद करेंगे उतना पाप प्रवेश है। वो तो तुम समझो, तुम ऐसे ही समझो
कि सदा काल है। ऐसे क्यों समझते हो कि कभी ये बोलता है, कभी ब्रह्मा बोलता है, कभी शिव बाबा बोलता है? तुम्हारी भावना के ऊपर प्राप्ति होगी। और क्या बहलाने के लायक? गुरु कहलाने के लायक। हाँ कोई नहीं। हाँ भगवान को नहीं मानते। हाँ किसी को कैसे समझो? हैं बाबा की याद में रहते हैं, जितना कोशिश होती है सर्विस करने की कोशिश करते हैं, पर रिटर्न में यही जवाब मिलता है कि हर जगह धोखे खा लिए, भगवान नहीं है। भगवान है नहीं तो खुद भगवान बन के बैठ जाओ, जो जी में आए सो करो, मनमानी चाल चलो, फिर क्यों नहीं चलते? डर लगता है। अरे मनमानी चाल क्यों नहीं चलते? भगवान है ही नहीं, फिर तो जाकी लाठी ताकी बहस, राइफल हाथ में ले लो। आतंकवादी बन जाओ। क्यों नहीं बन जाते? कर्मों से डर तो लगता है उनको, रिटर्न में हमको मिलना है। कर्मों से डरता है, डर लगता है ना कि जो करेंगे वो रिटर्न भी मिलेगा, इसलिए रिटर्न कौन देगा? भगवान देगा। तो फिर भगवान हुआ ना? वो नहीं मान रहे कि अभी नहीं। वो पहले हम तो देखें हम क्या कर रहे हैं, हम परचिंतन क्यों करें? पहले स्वचिंतन पे पहले परचिंतन, पहले स्वचिंतन करें। हम किस राह में? जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे। दान करत। हाँ दान करो। हाँ तो जो ज्ञान में प्राप्ति हुए भक्ति मार्ग में दान करत तो अगले जन्म में प्राप्ति करत। ज्ञान मार्ग में दान करत तो 21 जन्म की प्राप्ति करत। हाँ ज्ञान की दुनिया में मकान बना रहे हैं। अब आप दूसरी संस्थाओं के पीछे क्यों जा रहे हैं? आप अपनी संस्था में रह करके काम करिए, बात करिए ना। अरे परचिंतन क्यों करते हैं? आप अपने भाई बहनों को समझाओ कि अभी मकान बनाने का टाइम नहीं है, मकान में पैसा झोंकना मना, मिट्टी में पैसा झोंकना। हाँ बच्चों की संख्या बढ़ी हुई है, कोई शहर में, और उनको क्लास करने के लिए ठिकाना नहीं है तो ठिकाना तो बनाना पड़ेगा। उसके लिए भी बाबा कहते हैं किराए पर चलाते रहो। जो दुनिया क्या करती है हमें क्या लेने देना। और बाबा बाबा ने अभी कहा कि जो डायरेक्ट बाप से नहीं सीख रहे तो अपने आगे चल के कैसे पता चलेगा कि शिव बाप ने डायरेक्ट पढ़ा रहे? ये तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा,
ये अपने भाव की बात है। हमारे अंदर भाव बैठ गया, हमने निश्चय कर लिया कि राम वाली आत्मा के द्वारा बाप जो है मुकर्रर रथ का पार्ट बजाते हैं। मुकर्रर माना आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाते हैं, तो ये हमारे निश्चय के ऊपर है ना कि दूसरे के निश्चय के ऊपर है। हम जितना निश्चय धारण करेंगे उतना हमको प्राप्ति होगी। और संगीत का रंग मन को ज्यादा लगता है कि शरीर? संग का रंग चैतन्य को लगेगा या जड़ को लगेगा? चैतन्य मन बुद्धि है, आत्मा है या शरीर है? आत्मा है। तो उसी को संकर रंग लगता है। बाबा इतने दिनों से ब्रह्मा राम बाप के अंदर है, तो उसको अभी तक संग का रंग क्यों नहीं लगता? तो संग का रंग किसी को ज्यादा देर में लगता है, किसी को जल्दी लग जाता है। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, ज्ञान सूर्य बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, उनको संग पहले लगेगा या चंद्रवंशियों का नंबर पहले लगेगा? है तो 4.5 लाख जो सूर्यवंशी हैं, रुद्रमाला के मण के हैं, उनको संग का रंग लग गया? अभी नंबर चल रहा है ना, उनका नंबर पूरा होगा फिर उनका शुरू होगा। और बाबा सूर्यवंशी तो पक्के होते हैं ना, पावरफुल होते हैं ना? सूर्यवंशी तो पावरफुल होते हैं ना? सब पावरफुल होते हैं कि नंबर वार होते हैं? हाँ जी, तो लगना चाहिए संकरम चंद्रवंशियों को, संकरम जल्दी लगना चाहिए। बच्चा बुद्धि है ना, तो बच्चा बुद्धि जल्दी समझेगा या देर में समझेगा? बच्चा बड़ा हो जाएगा तभी समझेगा या शिशु रहेगा तब समझेगा? है अरे यहाँ कोई शरीर की बात नहीं है, यहाँ तो आत्मा की बात है। ये चंद्रवंशियों से लेकर इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन ये सब सूर्यवंशियों के बच्चे हैं, सब नंबर वार हैं कि एक जैसे हैं? नंबर वार हैं। तो बहुत ज्यादा कनेक्शन में तो बाप के साथ मिल जाता है ना? ओहो, आज की दुनिया में छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं जो नई जनरेशन के, वो बुद्धि के ज्यादा तीखे होते हैं कि पुरानी दादियां और काकियां ज्यादा बुद्धिवादी होती हैं? ऐसे ही है, ब्रह्मा चंद्रवंशी बहुत पुराने हैं, उनकी बच्चा बुद्धि लंबे समय तक चलती है। वही लास्ट पूर जब आएगा दुनिया का, अंतिम धर्मों के भांति आएंगे तो जल्दी जल्दी उठाएंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे, उनके लिए टाइम भी ज्यादा नहीं है। और मतलब चाहे रोज क्लास करो, चाहे रोज क्लास करो, उसका कोई अर्थ नहीं सूर्यवंशियों के लिए। कहाँ काफी समय से क्लास करता है निश्चय बुद्धि होकर? अभी अभी क्लास करता है, अभी अभी गुलजार दादी में प्रवेश कर जाता है, मोह का कीड़ा। संग का रंग लग रहा है कि नहीं? अरे माताओं को बच्चों का संग का रंग ज्यादा लगता है कि पिता का लगता है? हैं? माताओं को लगता है। और लक्ष्मी आत्मा कब आएगी? हैं? लक्ष्मी कब आएगी? लक्ष्मी कब आएगी? जब तुम आवाहन पूरा करोगे तब आएगी। तो
लेकिन वही तो होगा सन, मतलब निश्चित। हाँ बता तो दिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, वो आएगी तो खेल खलास हो जाएगा। तुम्हारा पुरुषार्थ ही पूरा हो जाएगा। अभी नहीं आएगी मतलब? है 18-20 तक नहीं आएगी। 88 18-20 तक नहीं आएगी। 18 तक नहीं आएगी। 18-20 तक नहीं आएगी। तो बता दिया ना कि तीनों देवियों को इकट्ठा होना होता है। पहले तीनों नदियां इलाहाबाद में इकट्ठी होती हैं, फिर गंगा में मिक्स होकर के गौहाटी में जाकर के मिलती हैं ब्रह्मपुत्रा से, फिर ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा साथ में रह करके गंगा सागर से जाकर मिलती है। लंबी यात्रा है या नहीं है? हे? 2026 तक पहुंच जाएगी बात है? 2026 तक बात पहुंच जाएगी ना? 26 तक? 26 में सूर्यवंशी सुधरेंगे या चंद्रवंशी सुधरेंगे? अरे बोलो ना। सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों का नंबर 26 से लगेगा या चंद्रवंशियों का लगेगा? चंद्र। फिर और बाबा जो ज्ञान में चल के चलते मृत्यु हो गई, जो वो बूढ़े आदमी की जो ज्ञान प्राप्त हुए। ज्ञान तो कभी नष्ट होता ही नहीं है ईश्वर का। जो संस्कार है ईश्वरीय ज्ञान के, वो आत्मा के साथ जाते हैं, जहां कहीं भी जाके जन्म लेगी फिर ज्ञान में आ जाएगी। और पाठशाली आत्माएं राजू सिंह के लिए राजसमंद के लिए बुद्धि विशाल होती जा रही है, फिर भी श्लोक बताने बैठो या फिर सच्ची की दर्शन बताओ तो अटकती क्यों? रावण में ज्यादा ज्ञान था या नहीं था? हैं? प्रकांड विद्वान था या नहीं था? फिर कर्म, कर्म सुधारे, यही बात है। नॉलेज प्रैक्टिकल में नॉलेज है या रावण की नॉलेज नॉलेज है? है प्रैक्टिकल जीवन में अगर ज्ञान है, इंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ है तो ज्ञानी है। ज्ञान मुख में है लेकिन इंद्रियां उल्टा काम कर रही है, कंट्रोल से बाहर है, तो ज्ञानी है। फिर अवस्था अच्छी बनेगी है नहीं बनेगी? गोवा घाटी गऊ, गऊ माने, गऊ माने गाय। कौन सी गाय प्रसिद्ध है? कामधेनु। किसका पार्ट है? सब मनोकामनाएं पूरी करती है। हट्टी कैसे स्वभाव की है? हट्टी स्वभाव की है। उसकी बुद्धि में अगर बैठा हुआ है कि कृष्ण ही गीता का भगवान है तो वो हठ पकड़े हुए है, कृष्ण ही गीता का भगवान है। इसलिए जगदम्बा जब तामसी रूप धारण करती है महाकाली का, तो उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो जाता है। वो चंद्रमा वाली आत्मा उसको चलाती है।
माँ काली का पाठ बजाती है। वास्तव में वो है जगदम्बा। कौन है? अरे कौन सी आत्मा जगदम्बा है? हैं? ब्रह्मा। और तीन के तेरह तेरह बिखर जाना। जो तीन है, तीन ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो 18 महारथियों में विभक्त हो जाते हैं तो पूरा युद्ध हो जाता है, क्योंकि सबके संस्कार आपस में टकराते हैं। और लाख कोशिश कर ली पर साकार में निराकार याद नहीं। साकार में निराकार याद नहीं आया। ये अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ है। पूर्व जन्म में जो राम वाली आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर रहे होंगे उनको याद आएगा कि नहीं आएगा? हैं? और जो नहीं रहे होंगे साकार के साथ रहे, साकार के साथ रहे, साकार की बात कर रहे। निराकार याद नहीं आता। निराकार याद आता है, साकार याद नहीं आता। साकार याद आता है। फिर वही बात। अब तो पैंतरा बदल गए। साकार में निराकार को याद करना है, दोनों को याद करना है। वो तो कभी हुआ ही नहीं। तो जब नहीं होता है तो कौन याद आता है? प्रश्न पैदा होता है, साकार ज्यादा याद आता है कि निराकार ज्यादा याद आता है? जिसकी बात जो पूछ रहा है उसे बताने दो ना। हाँ, साकार ही याद आता है। साकार ज्यादा याद आता है, निराकार नहीं याद आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साकार से अटैचमेंट जन्म जन्मांतर ज्यादा रहा, और संगम युग में भी अटैचमेंट साकार से ज्यादा है, निराकार से अटैचमेंट नहीं है। देने वाला कौन है? देने वाला निराकार है, निराकार आत्मा है या साकार आत्मा है? साकार आत्मा भी ले रही है या देने वाली है? और देती भी है तो लेकर के देती है कि अपना देती है? लेकर के देती है। ये अंतर पड़ जाता है। साकार में देखना है कि निराकार आप किसको कहते हैं? निराकार आप किसको कहते हैं? शिव बिंदी है या फेस है? हैं? तो बिंदी को याद करो। साकार में बिंदी नहीं है निराकार समझाने वाली, ज्ञान का क्लेरिफिकेशन देने वाली निराकार आत्मा है या साकार आत्मा है? निराकार है, उसी को याद करना। सहज राजू उसके कारण कठिन हो गया। कहाँ कठिन हो गया? कठिन कठिन उनके लिए हो गया जिनका साकार में संबंध तो रहा, साकार के साथ, लेकिन ऐसा संबंध रहा जैसे रावण का राम के साथ रहा। तो विरोध रूप में याद आएगा या अवरोध रूप में याद आएगा? कैसा याद आएगा? नहीं याद आएगा। और बुद्धि में माता पिता का सामंजस्य पैदा करो। यज्ञ के आदि में कुछ आत्माएं माता की तरफ हो गई, कुछ आत्माएं पिता की तरफ हो गई,
अब जो समझदार बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में तो बैठा है कि वर्षा किससे मिलता है, पिता से मिलता है। तो सूर्यवंशी बच्चे बाप के पीछे दौड़ पड़े। जो समझदार नहीं थे वो माता के पीछे रह गए। चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, सभी ब्रह्मा की गोद में खेल रहे हैं। और भक्ति मार्ग में मक्का और मदीना को इतना महत्व क्यों देते हैं भक्ति मार्ग में? मुसलमान महत्व देते हैं कि सभी धर्म वाले महत्व देते हैं? मुसलमान ओनली। तो इसीलिए देते हैं कि वो अपने यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति। क्या इसकी यादगार है? हैं? मकर शंकर के अंत की यादगार है। अंत में मकर बनता है, मकरों के लिए मकर बनता है या अच्छों के लिए मकर बनता है? मकरों के लिए मकर बनता है। तो इस्लाम धर्म क्या है? तो मक्का को ही मानेंगे ना। और 14 जनवरी को क्या होता है? मकर संक्रांति। हाँ, दोनों संस्कृतियां मिलकर के एक हो जाती हैं। जो आसुरी संस्कृति है और जो दैवी संस्कृति है, दोनों मिलकर के एक हो जाती है। दोनों का एक ही दिन है। इसका प्रदूषण काल कहलाता है, इसीलिए इस एक पर्टिकुलर समय को प्रदूषण काल कहलाता है। हाँ, बोला गया कि मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। पाप दिखाई नहीं देता तो मुरली से तो प्यार करके हाँ इस कमी को पूरा कर सकते हैं ना? इस कमी को पूरा कर सकते हैं ना? कौन सी कमी? पाप जो बिंदी दिखाई नहीं देती। बिंदी नहीं दिखाई देती? अरे दो बिंदियां हैं, तीन बिंदियां हैं कि एक ही बिंदी है? एक बिंदी है। शिव बाप जो है वो बुत में प्रवेश करता है या चैतन्य में प्रवेश करता है? हैं? तो चैतन्य तो तभी होगा जब उसमें दूसरी कोई महात्मा होगी। तो ऐसे क्यों कहना कि बुत में आता है? एक आत्मा है। हाँ, ये समझना है कि भले शरीर एक है, आत्माएं तीन है, लेकिन उन तीनों आत्माओं में हमको वर्षा देने वाला कौन है? शिव बाप है। शिव बाबा कहा जाता है क्योंकि शरीर के साथ है, इसलिए बाबा है। शरीर के साथ नहीं है, परमधाम में है, तो हमारा बाप है। हाँ जी, अभी मुसलमानों का स्टेटमेंट आया कि हमारे शंकर पहले हैं। मौलवी ने जो मस्जिद को कैटरिंग करता है, उसने कहा कि शंकर हमारे पहले पैगंबर है और हमारे अभिभावक है, और इसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में भी एक तरह का बवाल मचा हुआ है। मतलब शंकर और पार्वती की संतान है हम इसे हिंदुओं में आदि पुरुष कौन माना जाता है और मुसलमानों में आदि पुरुष कौन माना जाता है? आदम। आदम तो दोनों एक ही हो गए ना। तो पहले कौन मरेंगे? उन्होंने मान लिया तो पहले मरेंगे। और उनके धर्म में विरोध चल रहा है, विरोध उनके धर्म में चल रहा है, ये सब गलत है, हम नहीं मानते इस बात को। हैं?
वो जिस व्यक्ति ने उसका मतलब वो दिया है डिक्लेरेशन, पर उनके धर्म के लोग ही उसका विरोध कर रहे हैं और उसको मतलब झूठा बता रहे, बोले ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। कोई भी नई बात निकलती है तो पहले उसका विरोध होता है या नहीं होता है? होता है, बाद में ठीक हो जाता है। और ब्रह्मा बाबा का जन्म पाकिस्तान में हुआ, इसके पीछे कोई रहस्य है? ब्रह्मा बाबा का जन्म पाकिस्तान में हुआ, इसके पीछे कोई रहस्य? हिंद हैदराबाद में। हाँ, इसके पीछे कोई रहस्य? हिंदुस्तान वो पश्चिमी सभ्यता को मानने वाले कौन? कृष्ण की आत्मा जो क्राइस्ट को, क्राइस्ट जिसको फॉलो करता है। और राम वाली आत्मा पूरी सभ्यता को, वो पश्चिमी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा कृष्ण, इसलिए उनकी यादगार द्वारिका। ये मंदिर कहाँ है श्रीनाथ? पश्चिम में है या पूरब में है? पश्चिम में। और राम वाली आत्मा जगन्नाथपुरी पूरब में है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलती है कि नहीं? हाँ। और सारा आंखा जल गया, जो माया बिल्ली के पूरे बचे ये बैठे हैं ना पूनगरे, तो माया बिल्ली के याद में है तो बच गए। माया बिल्ली के पूरे? हाँ, माया बिल्ली के तो पूंगरे हैं, माया को छोड़ पा रहे हैं? है? माया की गोद को छोड़ पा रहे हैं? माया मौसी की गोद में से बाहर आ पा रहे हैं? आ रहे हैं? नहीं आ पा रहे? वो तो पहुंच रही है। हाँ, क्या इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन क्या है? कि अच्छी तरह से धुलाई पिटाई हो जाएगी, बार बार उनकी नजरों में प्रत्यक्ष हो जाओ। अच्छा, और रुद्रमाला की धुलाई पिटाई नहीं होगी है? पहले बच्चों की धुनाई पिटाई होगी कि दुनिया वाले और धर्मों की धुनाई पिटाई होगी? जज, जज के परिवार में अगर कोई शैतानी करता है, चोरी चकारी झनपटाई करता है, तो उसको जज सच्चा जज होगा, वो पहले अपनों को दंड देगा या दूसरों को पहले दंड देगा? ऐसे ही है। मेरे बच्चों ने सबसे जास्ती मेरी ग्रानी की है, तो मेरे बच्चे दंड के पात्र पहले पहले बनेंगे या और धर्मों के पहले बनेंगे? हैं? सबसे ज्यादा सुख बाप ने किसको दिया? हैं? सूर्यवंशियों को दिया ना, और सूर्यवंशी ही दगा दे जाए पहले। ज्यादा ग्लानी करें बाप की? ऐसा क्यों है? तुम्हारे संस्कार पूर्व जन्म के हैं, ऐसे उदय होते हैं तो अच्छा लगता है, कभी कभी खराब भी लगता है। जंगल में क्यों होता है? जंगल तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वहाँ शांति ज्यादा है, यहाँ मनुष्यों के बीच में अशांति है, बेकारी वातावरण है। और जैसे महबूब महबूबा को याद करे, जैसे बाप को याद करना है, और वो महबूबा को ऐसे उसमें जिंदगी थोड़ी देखता है, हाँ। कैसे वो बिंदी को जानता है जो देखेगा? अरे वो बिंदी को जानता है?
नहीं जानता और हम जानते हैं, इसलिए हम याद करते हैं आत्मी अपनी आत्मा को। ये तो जानकार और गैर जानकार की बात है। और हम खुले गीता पढ़ता आप माता ने क्लास बंद कर दी, हम कोई बाबा को पहचानते हैं तो दूसरी गीता पाठशाला खोल दो। जो भी समर्थ हो उसके यहाँ खोल दो। और दूर दराज के गांव के लोग हैं जिनके घर में गीता पाठशाला गांव में है ही नहीं, वो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं क्या? चल रहे हैं कि नहीं है? ऐसे तो नहीं है कि पीतमपुरा की सभी आत्माएं एक या दो गीता, वो इंदौर की सभी आत्माएं एक या दो गीता पाठशालाओं से जुड़ी हुई है? जो गीता पाठशालाओं से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी ज्ञान में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? नहीं चल रहे? चल रहे तो हम क्यों नहीं चल सकते? गीता पाठशाला से कनेक्शन नहीं है, मधुबन से तो कनेक्शन है। कर सकते हैं दूसरी जगह पुलिस सुन सकते हैं ना? सुने, जहाँ कहीं संगठन इकट्ठा हो जाए, जहाँ कहीं वो आत्माएं जिनके संस्कार पूर्व जन्म में मिलते जुलते रहे हैं वो यहाँ भी संस्कार मिलते जुलते हैं, तो इकट्ठे होकर क्यों नहीं सुन सकते? बाबा लक्ष्मी नारायण जब भी हैं पाठशाला तो युगलों के द्वारा चलाई जाती है, स्टूडेंट थोड़े ही चलाते हैं। और वो मधुबन में नहीं आते बाबा, तो फिर हम दूसरी जगह चालू कर दें क्या? हाँ जी ठीक है। हाँ ज्ञान चंद्रमा जो वास्तव ज्ञान चंद्रमा अस्त होता है हमेशा। ज्ञान चंद्रमा हरेक अमावस्या को अस्त होता है तो सबकी आंखें खुल जाती हैं। है तो महाशिवरात्रि की बात है, एक तरफ चंद्रमा संपूर्ण होता है और दूसरी ओर ज्ञान सूर्य उदय होता है, तब सबकी आंखें खुलती हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अधीर विनाश, हमेशा की बात नहीं है। अभी तो प्रगटा ही नहीं है। तो अज्ञान अंधेर विनाश हुआ ही नहीं है। हाँ सेवाग्राम की दो पत्नी है, छोटी माँ बड़ी माँ। आदि में सेवाग्राम की दो पत्नियां थी, छोटी माँ और बड़ी माँ। पता है ऐसा सुना तो उसने बताया। अरे पत्नियां थी भी दो या एक ही पत्नी थी? क्योंकि कलकत्ते वाले ऐसे भी रख लेते हैं, रखते हैं कि नहीं? और बाबा जो एक नारी सदा ब्रह्मचारी रहे तो गायन है, उसका उसका कैसे मतलब है? एक नारी सदा ब्रह्मचारी का तो गायन है। हाँ वो ज्यादा श्रेष्ठ है या फिर वो ज्यादा श्रेष्ठ है? वो ही श्रेष्ठ है।
जो एक नारी के अलावा और नारियों से कनेक्टेड है वो तो भ्रष्ट है। प्रजापिता भ्रष्ट है या श्रेष्ठ है? पतित है या पावन है? तो फिर छोटा बनकर सेवा करनी है, हनुमान मिशन जूतियों में बैठना है। ठीक है, तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं? जो भी निकलते हैं ब्रह्मा कुमारियों से वो पहले गुप्त रहते हैं या प्रत्यक्ष रहते हैं? तो गुप्त होकर के ब्रह्मा कुमारियों में जाके बैठ नहीं सकते, तो हनुमान मिसल जूतियों में नहीं बैठेंगे। और गरीब भिखारी सामने आता है उसको एक रुपया, कोई भिखारी सामने आता है गरीब उसको रुपया दो रुपया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो शराब खरीद लेगा, खाना दे सकते हैं, खाना वगैरह भी दे सकते हैं क्या? खाना वगैरह भी दे सकते हैं क्या? हाँ, वो अगर सामने बैठ के खा लेता है तो दे दो, थोड़ा थोड़ा करके दो, नहीं तो वो भी मार्केट में सुखा के बेच देगा। यात्रा करवा रहा है, हाँ जी, ऐसा लगता है। हाँ, अच्छी बात है खराब बात है? हैं? और बाबा, बाबा जैसे कहते हैं अलग को मिला अल्लाह देखो मिली बात है। यज्ञ के आदि में चार चित्रों का जो ज्ञान निकला बीज रूप में, चार चित्रों का यज्ञ के आदि में ज्ञान नहीं निकला, जो बीज रूप में ज्ञान चार चित्रों का निकला, तो जिस रथ के द्वारा जो ज्ञान निकला तो अलग को मिला अल्लाह, तो उस रथ को फीलिंग कब और कैसे आई कि भगवान ने आकर के ज्ञान दिया? फीलिंग नहीं आई तो ऐसे ही कपड़े धोना शुरू कर दिया। यज्ञ के आदि में भी मुरली में बोला है धोबी घाट चल रहा था, चल रहा था या नहीं चल रहा था? है हाँ, जो आदि में सो अंत में, उसे अनुभूति नहीं हुई तो ऐसे ही कोई एक्ट शुरू कर देगा क्या? और मृत्यु पर्यंत तक अपनी बात पर अड़ा रहा या माफी मांग ली? अड़ा रहा। तो ये फीलिंग उसी समय तुरंत आ जाती है बाबा या कुछ समय पश्चात आती है? ये तो अपने अपने निश्चय बुद्धि की बात है कि उन्होंने जो ब्रह्मा बाबा को पढ़ाई पढ़ाई, वो पढ़ाई हमने सच्ची पढ़ाई पढ़ाई या उसमें मिक्स करके पढ़ाया, झूठा पढ़ाया? ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया वो सच्चा रहस्य सुनाया या झूठा क्लेरिफिकेशन दिया? सच्चा क्लेरिफिकेशन दिया तो अपने अंदर निश्चय पैदा किया या नहीं किया? किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि फेल क्यों हो गया? तो शुरुआत में भक्ति मार्ग था फाउंडेशन, ज्ञान नहीं था इसलिए फेल हो गया। और बाबा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, हरिश्चंद्र ने क्या किया? हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, हरिश्चंद्र सत्यवादी भी तो उनके ऊपर लिखता क्यों पड़े? ऐसा कुछ नहीं है। जो सत्यवादी सच्चाई बोलते हैं उनको झूठा मुकाबला करेगा या नहीं? दुनिया में सच्चे ज्यादा होते हैं या झूठे ज्यादा होते हैं? हैं? झूठों की संख्या ज्यादा है तो आक्रमण नहीं करेंगे झूठे?
बोलो हाँ? एक घंटा हो गया।